तो आज की इस वीडियो में हम थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर नंबर 13 द ब्रेन अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट द 12th स्टेप टुवर्ड रिचेस को समझने वाले हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये बताया गया है कि रिचेस को एक्युमुलेट करने में ब्रेन कितना बड़ा रोल प्ले करता है और किस तरह से ब्रेन थॉट का ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन होता है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना। आई होप आपने कर दिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि थॉट्स की वाइब्रेशन के लिए हर एक ह्यूमन ब्रेन ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन होता है, यानी कि जहाँ पर हर तरह की थॉट रिसीव होती है और ब्रॉडकास्ट होती है। आगे बताया गया कि हर एक ह्यूमन ब्रेन इतना कैपेबल होता है कि वो किसी दूसरे ह्यूमन ब्रेन से भी रिलीज की हुई थॉट के वाइब्रेशन को पिक कर लेता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन ब्रेन का रिसीविंग सेट होता है जो कि किसी दूसरे ब्रेन से रिलीज की हुई थॉट को रिसीव करता है। जिन थॉट की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है उन्हें ही पिक किया जाता है और एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन में भेजा जाता है। थॉट एक एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा हाई रेट की वाइब्रेशन से ट्रेवल करती है। किसी भी मेजर इमोशन से मॉडिफाई या स्टेपअप की हुई थॉट की वाइब्रेशन ज़्यादा होती है ऑर्डनरी थॉट्स के मुकाबले, और इसी तरह की थॉट्स ह्यूमन ब्रेन की ब्रॉडकास्टिंग मशीनरी के थ्रू एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन में पास होती है। आगे कहा गया है कि जब ब्रेन रैपिड रेट से वाइब्रेट कर रहा हो तब ये दूसरे ब्रेन से आइडियाज और थॉट ही अट्रैक्ट नहीं करता, बट ये फीलिंग्स और इमोशन भी देता है जो कि थॉट को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने और एक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप इसे समझने लगोगे तब आप देखोगे कि ब्रॉडकास्टिंग प्रिंसिपल वो फैक्टर है जिसके थ्रू आप अपनी थॉट के साथ फीलिंग या इमोशन मिक्स करके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हो। सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन का सेंडिंग स्टेशन है जिसके थ्रू थॉट्स की वाइब्रेशन ब्रॉडकास्ट होती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन रिसीविंग सेट होता है जिसके थ्रू थॉट्स पिक की जाती है। ऑटो सजेशन का प्रिंसिपल वो मीडियम है जिसके थ्रू आप ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर काम करोगे। ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर काम करने का प्रिंसिपल बड़ा ही सिंपल है। जब आपको ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन का यूज करना हो तब आपको अपने माइंड में ये तीन प्रिंसिपल रखने हैं। नंबर 1 सबकॉन्शियस माइंड, नंबर 2 क्रिएटिव इमेजिनेशन, नंबर 3 ऑटो सजेशन। वो स्टिमुली यानी वो उत्तेजना जिसके थ्रू आप इन तीन प्रिंसिपल्स को एक्शन में लाओगे उसकी शुरुआत होती है एक डिजायर से। तो ये थी समरी। बट इस समरी के बाद भी द ब्रेन चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजनिंग है, तो चलो इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। अब ये बात अपने माइंड में रखो कि ये बुक 1937 में लिखी गई थी, तब साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो आपको इस चैप्टर में बताई गई डिस्क्रिप्शन के साथ स्टिक नहीं होना है। इस चैप्टर में थॉट के ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन के बारे में बताया गया है जो कि काफ़ी लोगों के सर के ऊपर से गया होगा। तो हम इसके असली मतलब को देखते हैं। वो है कि कोई भी ऐसी बहुत मेजर फीलिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग जो कि आपके माइंड को एक्साइटेड कर दे और इसकी क्रिएटिविटी को बढ़ा दे। हम सबको पता है कि मोटिवेटेड रहना और एक सही मूड में रहना हमें इन्वायरमेंट से ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है, हमारी मेंटल फैकल्टी को बढ़ाता है, और जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं मिलते हैं तो हमारी सोशल स्किल को भी बढ़ाता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 13 जो कि हमने अच्छे से समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 द सिक्स सेंस को समझेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।